समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने बस्ती सपा नेता एवं आवास विकास परिषद के पूर्व अध्यक्ष सिद्धार्थ सिंह दिन में लगभग 11:30 बजे जनपद लॉकडाउन के दौरान उत्पन्न स्थिति, सहयोग कार्यकर्ताओं की स्थिति आदि के बारे में जानकारी हासिल किया। सपा राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने सिद्धार्थ सिंह से कप्तानगंज विधानसभा क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा किया। सिद्धार्थ सिंह ने बताया कि बातचीत के दौरान उन्होंने बिना भूमि का अधिग्रहण किए राम की मार के चौड़ीकरण और भाजपा सरकार द्वारा किसानों के उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। इस पर राष्ट्रीय अध्यक्ष ने प्रदेश मुख्यालय पर विस्तार से रिपोर्ट मांगी। सिद्धार्थ ने अनेक स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी देने के साथ ही बस्ती वापस के दौरान गौर ब्लॉक के हलुआ निवासी श्रमिक मोहनलाल शर्मा की पत्नी पूजा को 1,00,000 रुपये का सहयोग दिए जाने का निर्माण पर आभार व्यक्त किया। आज प्रातः करीब 11:30 बजे हमारे नेता और नौजवानों के, मजलूमों के, गरीबों के, अल्पसंख्यकों के नेता हमारे आदरणीय अखिलेश यादव जी ने हमको वीडियो कॉल किया और उन्होंने बस्ती जनपद और विधानसभा कप्तानगंज के तमाम समस्याओं के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा की है। हम आज प्रसन्नता है हमें कि हमारे नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी, जहां पूरी दुनिया में महामारी फैली हुई है, पूरा देश परेशान है, वो छोटे से छोटे कार्यकर्ताओं का, बस्ती जनपद के कार्यकर्ताओं का उन्होंने हालचाल लिया है। अभी राम जानकी मार्ग पे हो रहे अतिक्रमण का भी हमने बातचीत के दौरान अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को अवगत कराया है कि बिना अधिग्रहण के, बिना नोटिफिकेशन के जिस तरीके से राम जानकी मार्ग पे सरकार के इशारे पे किसानों की जमीन की खुली लूट बस्ती में चल रही है, उससे भी हमने अपने नेतृत्व को अवगत करा दिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमारी बातों का संज्ञान लेते हुए आज शाम तक ही सारी रिपोर्ट वहाँ प्रदेश मुख्यालय को मंगाई है। तो किसानों की समस्या, लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।